सर जी मेरे पास 85 क्रोलाजी बड़ी अलग किस्म से। सर जी मेरे पास भी वन गाड़ी है जी। सर जी मेरे पास बिल्कुल नहीं गाड़ी थी। अब ऐसे चले साहब को पहले मैंने देखा। साहब पहले मैंने कहा था जी। अरे क्या कह रहा है साहब को तो पहले मैंने देखा था। मैंने देखा था ना साहब जी आपको। साहब जाना कहाँ है आपको? ओ भाई मुझे छोड़ोगे तो कहीं जाऊंगा यार, कमाल करते हैं। छोड़ दो यार साहब जी। साहब जी मेरे साथ जी मेरे साथ। अब और छोड़ दो यार। बाकी कोई मुसाफिर नहीं बचा। मेरा ख्याल है बाउनवीर का मेहमान नहीं आया यार। यार मुरादे तू कभी जहाज में बैठा है? पागल। और मैं कभी झूले में नहीं बैठा अगर जहाज में बैठा है। तू जहाज में बैठा है? यार मैं तो अब उस दिन बैठूंगा जब हॉलीवुड जाऊंगा। हॉलीवुड की इधर से परवाज नहीं होती, वो बैन अल अक्वामी की तरफ जाना पड़ेगा। वो उधर नहीं वो लिखा हुआ बोर्ड बैन अल अक्वामी, उधर जाना पड़ेगा। यार मुरादे आना जरा जाके देखते हैं वो जो बाहर जाते हैं ना लोग वो कैसे होते हैं। गेस्ट हाउस भी वापस पहुंचना है, इसके बारे में सोच कैसे होते हैं। बॉनवीर साहब के मेहमान ही नहीं आए तो वापस पहुंचना है, खाली हाथ अब कैसे जाएंगे। ओए मुरादे ऐसे करते हैं ना हा? वो अपना देख किसी मुसाफर को ले जाते हैं साहब। गुड आइडिया। मुसाफर भी टिप भी। मैं सामान रखूं आपका? ओ यार मेरी बात सुनो, पहले मुझे बताओ कि पैसे कितने लोगे। साहब जी आपने जाना कहाँ? भाई मुझे खुद नहीं पता यार, किसी होटल में जाना है इधर यहाँ। ओ सर जी आपने जाना कहाँ है आखिर? अगर फाइव स्टार कहते हैं तो फाइव स्टार में ले चलते हैं, नहीं तो फोर स्टार। अगर मंजी भी इस तरह चाहिए तो वो भी जगह पता है। अरे चल मुसाफिरों को खराब करता है साहब जी, आपको मैं ही लेके चलता हूँ, आपको किसी गलत जगह पे नहीं लेके जाऊँ। यार मुझे ये बताओ कि पैसे कितने लोगे यार तुम? सब इस तरह करें कि 300 रुपये दे दे। 300 रुपया? कमाल करते हो तुम, मैं तुम्हें शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ जी। 300 रुपये लोग अजीब आदमी हो यार। साहब जी महंगाई भी तो बहुत है ना। तो महंगाई यार मैंने पैदा कर रखी है, तुम भी अजीब आदमी हो यार। ओए रेम्बो लगता है इन लुटेरों में कोई फंसा हुआ है और बड़े बड़े टिप झाड़ रहे हो। नहीं यार वो तो जो कुछ हो रहा है हो रहा है, अब तूने भी जाके तो टिप झाड़नी है। नहीं रेम्बो, अरे अरे पते देख कर मुंह में पानी तो जरूर आ जाता है, मगर नहीं यार मेरा दिल बहुत साफ है, मैं चाह रहा हूँ कि इसकी मदद की जाए। तेरा दिल साफ है? और मैं तो समझ रहा था तेरा दिल मैला होता है, उसे साफ करने के लिए वेपर मारना पड़ता है। डोंट से लाइक दैट, छोड़ दे। यार मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो क्यों तंग किया रहे हो? तो अब आप लोगों की बारी है। नहीं सर नहीं सर, हम तो आपका देख के आए ना जी। सर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए थे जहाँ रैम्बो की हेल्प की बड़ी जरूरत थी। सर सर माई नेम इज रैम्बो जान रैम्बो कॉकरोच किलर। मैं समझा नहीं। नहीं सर इसमें समझने की क्या बात है सर, हम लोग ना इधर अपने एक मेहमान को देखने आए थे, वो नहीं मिला ना जी, तो इसलिए हमने आपको प्रॉब्लम में देखा, फिर हमने सोचा कि आपकी मदद की जाए। सर जी अगर आपको बुरा लगा है तो ठीक है जी, हम चले जाते हैं। और नहीं यार मेरी बात सुनो, मुझे वाकई तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरी हेल्प करो यार। ठीक है जी, एक मिनट आप हटो यार। चलो जोड़ो। अब आप बताएं जी आप कहाँ जा रहे हैं? और यार मुझे भाई मैं 10 साल बाद शहर में आया हूँ, मेरा यहाँ कोई जानने वाला नहीं, मुझे किसी होटल में जाना है, उसके बाद फिर मुझे अपने ग्राम भी जाना है। ग्राम होटल में? सर जी फिर तो आप हमारे गेस्ट हाउस के मेहमान हुए ना। हाँ वेलकम इस्लामाबाद, वेलकम गेस्ट हाउस सर। अब हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। ओए टिप ओए हैं चुप ओए ओए चलो इस्लामाबाद चलो सामान रखो। जी जी बिल्कुल जगह है जी, कमरा नंबर तब आप तशरीफ ले आइए, कमरा आपको अलॉट हो जाएगा। ओके अरे सामान ले गए। ओए ये किसे पकड़ रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, वो आपके मेहमान तो नहीं मिले जी, इनसे गुजारा हो जाएगा। ये कौन साहब हैं सर? इन्हें वो जगह चाहिए थी रहने के लिए ना, तो हमें मेहमान, फिर मुरादे ने कहा ऐसे नहीं जाते, फिर इन्हें हम साथ ले आए हैं जी। ओह वेल डन भाई, गुड आइडिया। गुड आइडिया सर जी, फिर मेरा अपना आइडिया जी, मैं लेके आया हूँ अकेला। जी आपके कितने दिन यहाँ रहने का इरादा है? मेरा ख्याल है मुझे कोई यहाँ हफ्ता या 8 दिन लग जाएंगे, वो असल में मुझे कुछ यहाँ खरीदो फरोख्त करनी है और उसके बाद मुझे अपने घर भी जाना है। जो आपकी जी में आए जी तभी ना इनका इंदराज करो। पता क्या है, कुछ 10 साल के बाद मैं इस मुल्क में आया हूँ, मेरे पास जितनी भी लोकल करेंसी थी वो सारी एयरपोर्ट पे सामान उठाने वालों ने ले ली, तो क्या कि आप ट्रेवलर्स चेक ले लेते हैं? सॉरी सर ये हमारी पॉलिसी नहीं है जी। तो मेरे पास तो या तो ट्रेवलर्स चेक है
और या फिर ये ड्राफ्ट है, लेकिन ये तो किसी बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, वहां ये रकम जमा होगी, उसके बाद फिर ये मिलेंगे। बैंक ड्राफ्ट? अच्छा हाँ हाँ, ये इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार। क्या बात है, कोई इसमें खराबी है क्या? नहीं सर, खराब तो इसने हमारा दिमाग कर दिया है। रैम्बो मुराद? यस सर। वो सर जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना जी? वो शमीम साहब को या बेगम शमीम को बुलाओ, ये काम मेरे। मैं एक मिनट में सर बुला के। एक मेरी और फेवर कीजिएगा, इस टैक्सी वाले को 200 रुपए दे दीजिएगा और मेरे अकाउंट में लिख लीजिए। रैम्बो ये पैसे सर जी, लगता है जी आपके ड्राफ्ट का सुन के ना जी ये अपना लंबे सफर पे चला गया, या फिर इसका गियर फंस गया। मैं जरा न्यूट्रल करता हूँ जी इसे। भाई साहब क्यों ऐसी मैनू? सर कुछ नहीं हुआ जी आपको, आप सिर्फ जरा धक्का स्टार्ट हो गए थे। ये आप पकड़े पैसे अपने, 200 रुपया किराया है, आप सीधे घर अपने जाएं। ये ना हो कि लाहौर आपको ले जाके ना उधर 4 नंबर बस में बैठाना पड़े। सामान सामलो। अच्छा जी हाँ, तो ठीक है फिर, तय हुआ रिहाना इकट्ठे चलेंगे शॉपिंग के लिए। हाँ ये लगी हुई। ठीक है, अच्छा खुदा हाफिज। क्या है भाई, क्या आफत आई है, घोड़ी पे बैठ के आ रहे हो? नहीं जी, वह जहाज से आया जी। बेगम साहब आज हमारे गेस्ट हाउस में इतना बड़ा कस्टमर आया जी कि हमारा गेस्ट हाउस उसके सामने मिनी पैक लगने लगा जी। क्या 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 कह रहे हो भाई, कोई आलम जन्ना साहब तो नहीं आ गए ना? नहीं सर जी, आप चल के देखें तो सही ना जी। बेगम साहब आप ऐसे मौके बार बार नहीं आते जी, आप चले जी देखें, आज तो आप उनके कमरे में टिप टिप करके जा सकते। चलो जी, चलो ईमान से देख भाई क्या चीज है। चलो। सर आपका कमरा नंबर 10 है, लेकिन ये बात मिस्टर शमीम या मिसेस शमीम तय करेंगी कि आपको कमरा देना है या नहीं। सर आई जी, आई सर मैं मिलाता हूँ जी आपको। हाँ भाई, वो कहाँ है सबसे बड़ा कस्टमर? सर ये है ना जी, ये आपके साथ खड़े हैं। ये तो हमारे कद के बराबर के। नहीं नहीं सर, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट? ओहो भाई क्या मसला है नवीद? सर ये हमारे कस्टमर है जी, इनके पास या तो ट्रेवलर्स चेक है जी या बैंक ड्राफ्ट है जी। कौन सा बैंक ड्राफ्ट, कहाँ का बैंक ड्राफ्ट? ये गैर मुल्की बैंक ड्राफ्ट है। दिखाओ क्या है इसमें, क्या हो गया? हाँ देखा शमीम, ये होता है ड्राफ्ट। एक तुम भी गए थे दुबई। सर ये ड्राफ्ट देख के मैं भी पजल हो गया था। सर अगर इसका थोड़ा सा भी हिस्सा मेरे पास हो तो मैं भी ऐसा गेस्ट हाउस खरीद लूँ। सर क्या 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 गेस्ट हाउस खरीद लूँ? देखा तुमने, देखा ये होते हैं नौकर, जरा सा मौका मिला और लगे ख्वाब देखने मालिक बनने के। कैसी बातें कर रही हो भाई, तरक्की का ख्वाब देखना कोई जुर्म तो नहीं? देखो नवीद, इंसाफ का बहुत ख्याल रखना है, खास ख्याल रखना है। और कहाँ है सामान इनका, मैं उठाऊं? उठा लिया जी। जिस कमरे में कहते हैं वहां ले जाओ। अच्छा, और नवीद हाँ, जो कहें जब कहें जैसा कहें इनका खास ख्याल रखना है। आइए सर, आइए 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 ना सर, वेलकम सर। आए सर। सर ये है जी कमरा नंबर 10। सर जितनी भी आपको सर्विस चाहिए ना जी, बंदा हाजिर है जी। सर पता क्या, आप ये टेलीफोन करें, इसकी घंटी बजेगी, जब घंटी बजेगी तो उसके साथ ही मैं टिप टिप करता कमरे में आऊंगा और जो सर्विस आपको चाहिए होगी बंदा हाजिर है। मैं आपके लिए फ्रेश यानी ठंडा ताजा पानी लेके आता हूँ अभी। हाँ। एक मिनट में सर जी। हाँ। हम ना जी सारे इधर स्टाफ हैं जी। अच्छा, और सर जी मैं ना जी इधर सफाई करता हूँ। सर जी, सर जी वो आप ना जी बाहर से आए हैं ना जी। सर जी अगर मैं आपकी ना बहुत सारी खिदमत करूं जी तो फिर आप मुझे बाहर ले जाएंगे जी, उधर हॉलीवुड में मुझे बड़ा शौक है जी। वेरी इनोसेंट। हाँ हाँ मैं तुम्हें जरूर लेकर जाऊंगा, लेकिन पता है कि ऐसे तुम मेरा एक काम करो। हाँ जी, मुझे सोने दो। अच्छा हाँ ठीक है सर जी। सर जी आप अरमान करें इधर ना, फिर मैं चलता हूँ। हाँ मुझे याद आया। हाँ जी, यहाँ कोई नजदीक वजदीक बैंक है कोई? क्यों जी? मुझे अकाउंट खुलवाना है।
हाँ सर जी, इधर है नजदीक ही है जी, बचत बैंक है वो ना, 12 सेंट पर देते हैं साथ। परसेंट? परसेंट। हाँ सेंट पर जी। परसेंट 12% जी। वही सर जी, वो उधर और भी अपना कौमी बैंक भी है जी। अच्छा, आप जिसमें मर्जी चले जाएं, उनकी लंबी लंबी स्कीमें हैं जी। तो ठीक है फिर, कल तुम मुझे बैंक लेकर जाओगे? ठीक। सर जी कल तो छुट्टी है जी, फिर परसों। ओहो हाँ, आइडिया। हाँ जी। कल ऐसे नहीं हो सकता कि तुम मुझे पूरे शहर की सैर करा दो? हाँ हाँ जी, ये तो कोई बात नहीं है सर जी, मैं मुरादे को भी ले जाऊंगा जी साथ, फिर आपको सैर कराएंगे। लेकिन सर जी एक बात सुन ले आप, मैंने कभी छुट्टी नहीं की, जीरा के लिए भी नहीं की, आपके लिए कल छुट्टी करूंगा जी। वंडरफुल। सर जी मैं वो दूसरे कपड़े पहनूंगा, हॉलीवुड वाले मेरे पास हैं जी वो। वेरी नॉटी बॉय है जी। सर के बाद रैंबो मैंने ये इलाके देखी है, और जानते हो बहुत अच्छा लगा है। अच्छा मुझे कोई और खसूसियत शहर की बताओ ना। हाँ सर जी, इसकी और भी बड़ी खसूसियत है जी, ये देखें जी, ये नाला ले है सर, इसकी बो आप एक दफा सूंघेंगे फिर आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए बो दूर, इतनी ज्यादा बो है जी इसकी। कोई और खसूसियत भाई? और खसूसियत सर जी, इस शहर के अस्पताल है जी, आपको दुनिया की हर जगह से दवाई मिल जाएगी, यहाँ के अस्पताल से दवाई नहीं मिलेगी। आज तक ये नहीं पता चल सका जी कि इतनी दवाइयाँ जो अस्पतालों को मरीजों के लिए फ्री मिलती है वो कहाँ जाती हैं। सर जी, सर जी देखें, मुफ्त का माल दिले बेरहम सर, जब मुफ्त का माल बेरहम दिलों को मिले तो फिर उन्हें क्या जरूरत है वो किसी और को दे, कैसे दे सकते हैं। देखो कैसी तारीफ की इसने, माले मुफ्त दिले बेरहम। यू आर वेरी नॉटी है। इनोसेंट, इनोसेंट। नहीं नहीं सर, 12 सेंट पर। अच्छा अब मजाक छोड़ो, मेरा ख्याल ये है कि वो टैक्सी वाले का 400 रुपए किराया बन जाएगा, फौरन चलते हैं। ओ सर जी कमाल कर रहे हैं, आपका इतना बड़ा तो वो है ड्राफ्ट, इजी फील करें। देखो ड्राफ्ट जमा होगा तो पैसे आएंगे। चलें जी गाड़ी में जल्दी करो फटाफट। यार आप हर 3 दिन बाद फंड्स लेने आ जाते हैं, ये कोई तरीका नहीं है, जाइए पहले को आइएगा। नहीं आप ये बताएं मुझे, कभी आपने पहले दिए जवाब देंगे? हमेशा जनाब ताते रहते हैं, कंजूस कहेंगे। बहुत मजा है। वालेकुम सर। वालेकुम असलाम। इस तरह करो कि 500 रुपए इस टैक्सी वाले को दे दो और मेरे हिसाब में लिख लेना। बेहतर सर। ठीक है। और हाँ, अब मैं सोने जा रहा हूँ, ना तो मुझे किसी रूम सर्विस की जरूरत है और ना ही सफाई की। है जी, डोंट डिस्टर्ब मी। अच्छा जी। ओए इधर जी। है जी, अब छुट्टी का हो गया टाइम खत्म, जाके अपनी वर्दियां पहनो चलो। अच्छा जी। टिप टिप करके गुलदस्ते सजाएंगे, ये लीजिए जी स्पेशल गुलदस्ता उस कस्टमर के लिए जी, और सीढ़ियों पे रेड मैट बिछा दी गई है जी। अच्छा। और उनके कमरे का कारपेट भी चेंज कर दिया जी। वाह वाह, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। हाँ शमी, मगर ये कस्टमर कभी गैर शादीशुदा होता तो कितना अच्छा होता है। क्या 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 कहा तुमने, नौबत यहां तक पहुंच गई है। शमीम बस
अल्लाह ही बचाए, ये तुम्हारा आईक्यू बहुत ही थोड़ा है। मैं वो बात करी उनकी, वो जो तुम्हारी उम्र की हो गई है, वो अपनी आपा शैदी नहीं है। अच्छा वैसे हाँ। शमीम अगर ये रिश्ता मिल जाता है उनको, इतना अमीर कबीर, तो उनके तो सारे मसले हल हो जाएंगे। बेगम साहब जी, हमारे गांव में है ना जी एक, उसको सारा गांव खाला खाला कहता है जी, अभी तक गैर शादी शुदा है जी। अपना नॉलेज जरूर बयान करना। नदी, बड़ी उम्र के आदमी से शादी कर लेना मैं समझती हूँ कोई ऐप की बात नहीं, बल्कि मैं समझती हूँ लड़की बड़ी प्रोटेक्टेड महसूस करती है। जी हाँ, बड़ी उम्र की किसी अमीर सी औरत के साथ किसी कम उम्र नौजवान की शादी हो जाए तो वो भी बड़ा प्रोटेक्टेड महसूस करता है ना। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम इमरान भाई एसोसिएट और ये छोटा भाई इरफान भाई एसोसिएट है। भाई जी, मैंने कितनी दफा कहा है कि मैं अपना तारफ खुद करवाया करूंगा। एक्सक्यूज मी जी, मैं इरफान भाई एसोसिएट हूँ और ये मेरे भाई इमरान भाई एसोसिएट हैं। हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं जनाब एसोसिएट्स साहिबान? दरअसल हम लोग बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं। और हाँ, हमने सुना है कि आपके इस गेस्ट हाउस में कोई बहुत बड़ी मालदार हस्ती ठहरी हुई है। मैं उनको ये बता सकता हूँ कि बहुत सा पैसा कैसे इकट्ठा किया जा सकता है। और जनाब, मैं उनको ये बता सकता हूँ कि बेशुमार पैसा खर्च कैसे किया जा सकता है। जी हाँ, नहीं मैं समझ गया जी। तो आप हमें ये बता सकते हैं कि इस वक्त हमें कहाँ मिलेंगे? नहीं, आप ऐसा कीजिए कि आप उनसे हमें अपॉइंटमेंट ले दें। देखिए जनाब, फिलहाल तो वो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आप अपने गेस्ट हाउस में कोई हमें कमरा किराए पर दे दें? अमराद, ब्यूटीफुल, बड़ा अच्छा कमरा है, बहुत अच्छा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर, ये आपका कमरा है जी, यानी कोई भी रूम सर्विस चाहिए हो तो बंदा हाजिर है जी। वो साथ टेलीफोन है, आप टेलीफोन करेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा जी। अंडरस्टैंड सर? बात ये है मिस्टर वेटर कि हमारी तरफ से तुम्हें कोई टिप तो मिलेगी नहीं, बल्कि हम तुम्हें एक मशवरा दे सकते हैं। वो ये है कि जितने टिप तुमने आज तक कमाई है वो हमारे पास रखवा दो, हम तुम्हें उसका प्रॉफिट दे देंगे। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो भी इस वक्त तुम्हारी जेब में है वो भी दे दो, प्रॉफिट ले लेना हमसे। वाला मियां, कैसी कैसी जोड़ियां बनाई। बिकॉज मैं मिस्टर काजमी हूं इसलिए ये मिसेस काजमी है। एज सिंपल एज एनीथिंग इज मिस। कमाल है, इतनी सी बात आपकी समझ में नहीं आई। भाई, हम लोग अपने मैरिज ब्यूरो से आ रहे हैं। Yes. लेकिन किस सिलसिले में जी? Because I knew it कि आपके गेस्ट हाउस में कोई बहुत बड़े रईस ठहरे हुए हैं। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल ठहरे हुए हैं जी। सुना है वो बहुत ही रिच और हैंडसम है। Yes. हाँ जी, देखें ना जी, ये तो अपना अपना उसने न... अब देखें आप भी तो किसी को खूबसूरत लगती होंगी जी। you naughty boy. क्या कह रही? कह रही है तुम बहुत मैले हो। अच्छा, आप हमें कब उनसे मिलवा रहे? लेकिन वो तो शादीशुदा है। Well, it is none of your business, miss. छोड़ें इस बात को। वो क्यों जी? Because हमारे पास ऐसे ऐसे रिश्ते हैं कि बड़े बड़े पुराने शादीशुदा लोग नए सिरे से दुल्हा बनने को तैयार हो जाए। जस्ट डू मी अ फेवर प्लीज। जी जी, आपके पास कमरा है? रैम्बो जी, 16 नंबर कमरे की चाबी लो और इन्हें कमरा दिखा। अच्छा जी, 16 एक और 6। हाँ, एक और 6। मैं सलाम कर सकता हूँ? वालेकुम सलाम। जिंदा रहो शायद कैसी है? मेरा नाम। और सर, आपको अपना नाम बताने की क्या जरूरत है? आप वही है ना म्यूजिक वाले? ना, ड्रामे वाले। ड्रामे वाले? यार, ये तो एक मशहूर आदमी छुप नहीं सकते कहीं। हाँ जी, ये तो है जी। आप फिर किसी पार्टी की तलाश में आए होंगे? नहीं नहीं, आपके गेस्ट हाउस में कोई अमीर शख्सियत ठहरी है मैंने सुना है।
यार जब से दौलत आम हुई है ना भवनवीर, ये अमीर शख्स देखने को नहीं मिला। आज आपके गेस्ट हाउस में उससे मुलाकात हो जाएगी, शायद उसी के वसीले से आज मेरा ड्रामा पूरा हो जाए। हाँ जी पूरा होगा। यहाँ कमरा मिल सकता है ना? हाँ जी कमरा तो मिल जाएगा, लेकिन टू वेरी फ्रैंक भी वो एडवांस देना पड़ता है जी। जिंदा रहो कितने? 500 रुपये जी। यार वो ऐसा के दो, बहुत मजा लेंगे बहुत। ये 450 से गुजारा हो जाएगा। ठीक है जी, दे जी कमरा। आए जी, ये है जी आपका कमरा। सर जी अब अगर ड्रामे का कोई चांस हो जाए ना जी, तो फिर उसमें मेरी एक्टिंग का चांस भी आपने रखना है जी। अच्छा। सर जी अब तो जी मुझे जो ख्वाब है ना जी, वो भी एक्टिंग के ही आते हैं जी, इसीलिए सर जी मैंने सोना ही छोड़ दिया जी। बरखुरदार। हाँ जी। तेरे मेरे ख्वाब बहुत मिलते जुलते हैं। जी। सर आप इतनी सुबह जी? क्यों क्या बात है? सर इतनी सुबह तो हम गरीब लोग जागते हैं जी, आप कहाँ? सॉरी सर आपने माइंड तो नहीं किया? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। पता क्या है, वो असल में बैंक में अकाउंट खुलवाने जा रहा हूँ। बचत बैंक में सर? हाँ हाँ अच्छी बात है जी, गुड लक सर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। सर और वो कुछ लोग आपसे मिलना चाह रहे थे जी। मुझसे मिलना चाह रहे थे भाई? लेकिन मेरा तो यहाँ कुछ जानने वाला भी नहीं है। सर अगर आदमी बड़ा हो तो जानने वाले पैदा होते, देर नहीं लगती सर। अगर आपके पास कुछ वक्त हो तो प्लीज सर। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस मुझे वो बैंक अकाउंट खुलवाना है, उसके बाद वक्त ही वक्त है, वापसी में सबसे मुलाकात होगी। बाय बाय। थैंक यू जी। रैम्बो मुराद। मुंह तो बंद कर। वाले सलाम, फरमाइए। मुझे अपना अकाउंट खुलवाना है जी। आपका अकाउंट नहीं खुल सकता जनाब। क्या अकाउंट नहीं खुल सकता? मेरे भैया अकाउंट खुलवाने के लिए तस्दीक की जरूरत होती है। ये तस्दीक क्या चीज होती है जी? वाह रे वाह, तस्दीक तो तस्दीक ही होती है जनाब। जाए आप जाए, आप हमारा टाइम जाया ना करें। आपके यहां कोई अफसर है? जी हां वो बैठे हैं। फरद साहब मुझे आपके बचत बैंक में अकाउंट खुलवाना है। देख साहब अकाउंट खुलवाने के लिए आपको किसी तस्दीक करने वाले की जरूरत पड़ेगी, समझे आप? जी समझे। तस्दीक? ये तस्दीक क्या चीज होती है जी? भाई यही कि आप कौन हैं, कहां रहते हैं। ठीक फरद साहब, ये मेरा शिनाख्ती कार्ड है और ये मेरा पासपोर्ट है, इन दोनों में मौजूद है कि मैं कौन हूं। देख साहब हम इसे नहीं मानते, हमें इसकी तस्दीक चाहिए जो इस बैंक में अकाउंट रखता है, समझे। कर रहे हैं आप भी मैनेजर साहब, ये दोनों डॉक्यूमेंट सरकार की तस्दीक की हुई तो हैं, और क्या है, और क्या तस्दीक चाहिए आपको? वह जनाब आपको कहना कि हम ये शिनाख्ती कार्ड वगैरह नहीं मानते, ये तो 600 रुपया दे के जब चाहे बनवा लो। देखिए साहब आप बिला वजह बड़बड़ के बातें मत करें, ये जो शिनाख्ती कार्ड है ये 15 साल पहले का बना हुआ है, और मैं आज 600 रुपए देकर कैसे बनवा सकता हूँ इसे? देखिए साहब देखिए देखिए देखिए, ज्यादा बहस मत कीजिए साहब, हमने कह दिया हम इसे नहीं मानते। अब देखिए प्लीज प्लीज आप हमारा टाइम खराब ना करें। मैनेजर साहब आपका टाइम ठीक कब हुआ है? मैंने आपका क्या टाइम खराब कर दिया? आप नहीं जानते ये अकाउंट ना खोलकर आप सरकार का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये फॉर्म है और किसी अकाउंट होल्डर से तस्दीक कराकर हमें ला दे, हम आपका अकाउंट खोल लें। नहीं समझे मैम। मैनेजर साहब मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं 10 साल बाद यहां आया हूं, मेरा यहां कोई जानने वाला नहीं, किससे मैं तस्दीक कराऊंगा? फिर
अगर ये शनाख्ती कार्ड, ये पासपोर्ट, ये किस मर्ज की दवा है? देखिए साहब, ये दवा वगैरह का किसी डॉक्टर को पता होगा। बस सीधी साधी सी बात है, अगर आप तस्दीक करा कर ले आएंगे हम आपका अकाउंट खोल लेंगे, और अगर तस्दीक करा कर नहीं लाएंगे हम अकाउंट नहीं खोलेंगे। समझे? देखिए फरद साहब, मैं आपके बैंक में लाखों रुपए का अकाउंट खुलवाने वाला था, और सरकार के इस नुकसान के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं, समझे आप? संभालिए अपना ये तोहफा। नहीं समझे? देखा कमरा नंबर 10 वाले का कितना इंतजार हो रहा है। हाँ, कितना मजा आता अगर अभी इसी तरह इंतजार होता। वेलकम सर। वेलकम सर जी। वेलकम सर जी। ये सर, ये क्या है? ये जी फूलों पर ही टिप जी। सर जी, ये है ना जी, ये मुकाम जो है ये हर किसी को तो नहीं मिलता ना जी। कैसे हैं सर आप? नवीद साहब, टैक्सी वाले का 200 रुपए का बिल दे दीजिए। अच्छी बात है सर। सर आपका अकाउंट खुल गया? लगता है कोई खास बात है। तुम्हें तो हर बात में खास बात नजर आती है भाई, किसी का अपना अंदाज भी होता है। यार मेरी अपॉइंटमेंट नदीम साहब से करवा सकती हो कि नहीं? सर मैं कोशिश करूंगा जी। चिंता रहे, थैंक यू वेरी मच टू वेरी फ्रैंक बी। वेलकम जी टू वेरी फ्रैंक बी। चिंता रहे। जी रिसेप्शन। देखिए, एक तो कमरे में मुझे चाय भिजवा दीजिए। हाँ हाँ, और दूसरे वो सफाई का काम भी है जी। वेटर यस। कौन था? 10 नंबर में ना अच्छी से चाय ले जाओ, और हाँ वहाँ सफाई की जरूरत भी है, जल्दी से सफाई वहाँ करो। अच्छा सर जी। सर जी क्या है, लड़की और लड़के आर्य को तो सर जी की लाठी क्यों मारता है? लड़का तो सर जी हुआ, लड़की कैसे सर जी हो गई है? सर जी ये वो मेरा सराहना कलाम है जी। सराहना कलाम क्या होता है? सर जी वो जो एक बंदा नहीं बार बार एक ही बात को कहता है, वो वाली तकिया कलाम होता है, वो है सराहना कलाम नहीं होता। तो बनवीर साहब तकिया भी तो सराहना ही होता है ना। अच्छा मिस तखमीना सर जी, मैं अभी कह देता हूँ। सानू ना रो ला बोल ना रो ला। जी इरफान भाई एसोसिएट, इमरान भाई एसोसिएट, कमरा नंबर 14 गेस्ट हाउस। आप किससे बात करना पसंद करेंगे, इरफान भाई एसोसिएट से या इमरान भाई एसोसिएट से? उठो इतना लंबा जवाब जी। और भाई साहब आपको सिर्फ इतना बताना था कि आपकी नदीम साहब से अपॉइंटमेंट हो गई है। ओ वेरी गुड, बिकॉज आई न्यू इट कि आज हमारे मैरिज ब्यूरो का इश्तिहार जरूर छपेगा। हियर इट इज। कमाल है, गेस्ट हाउस में कमरा लेकर आपने खामखा अखराजात क्यों बढ़ा लिए? बिकॉज आई न्यू इट कि मुझे नदीम साहब से अपॉइंटमेंट जरूर मिल जाएगी। कमाल है, आपने पहले मुझे बताया क्यों नहीं? बिकॉज आई न्यू इट कि आपको सरप्राइज अच्छे लगते हैं। कमाल है, हमारी जिंदगी के सवरने का ये लम्हा है और आप मुझे सरप्राइज देने पर तुले हुए। टिप टिप जाए, टिप टिप जाए, टिपिन टिपिन टिपिटी। सर जी TIP चाय हाजिर है जी। TIP ये क्या चाय होती है जी? सर जी TIP चाय वो चाय होती है जिसके हर घूंट पे टिप देने को दिल चाहे, यानी मेरा मतलब सर ये है कि टी इन प्याला सर। सर देखे मैंने आपके लिए प्याला कौन सा इस्तेमाल किया, ये बड़े वाला प्याला जी, बिग बिग टी पॉट। अब इस बड़े प्याले में जरा चाय भी बना दो। बना दो जी। यस। सर जी आपने जी मुझे सफाई के लिए बुलाया जी। हाँ देख लो, अगर कोई सफाई करने वाली है तो सफाई कर लो। अच्छा जी, अभी मैं नींद भी आ रही है। और देखो मुझे किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ठीक है सर जी।
वैसे तो जी आपके कमरे में सारी सफाई है जी तकरीबन, अगर आप मजीद सफाई चाहते हैं ना जी तो फिर इसे बाहर निकाल दें जी। क्या मतलब, मेरी तो आपको बहुत जरूरत है सर। देखिए बहुत से लोग नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको मिलना चाहते हैं जी। हाँ जी जी सर। लेकिन वो मुझसे क्यों मिलना चाहते? सर वो कुछ लोग तो आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं और कुछ लोग आपको बताना चाहते हैं कि हाउ टू डू द बिजनेस। हाँ सर जी, और कुछ लोग ना वो चाहते हैं जी आपकी शादी कराना चाहते हैं जी। मेरी शादी? आप इतने बड़े हो गए जी, आपको अभी तक शादी का नहीं पता। हालांकि सर जी शादी का तो मुझे भी पता है जी। अच्छा तो शादी का तुम्हें भी पता है? हाँ जी। अच्छा ये शादी का पता तुम मुझे बाद में बताना। हाँ जी। अब मुझे नींद आ गई, अब तुम जाओ। ठीक है जी। और सुनो, मुझे किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ठीक है जी। टैक्सी वाले को सुबह सवेरे बुला लो। हाँ उसे सुबह सुबह बुला लेना, क्योंकि बैंक भी जाना। ठीक है सर। हाँ शमीम, मैं उस वक्त से ये सोच रही हूँ कि इतना बड़ा ड्राफ्ट, मतलब इतना पैसा भी किसी के पास जमा हो सकता? अब मैं ये सोच रहा हूँ कि उसके हिसाब में हमारा कितना पैसा जमा हो गया होगा, लेकिन पता नहीं उसने अभी तक अकाउंट खुलवाया या नहीं खुलवाया। नहीं तो शमीम, ये तो तुम्हें पूछना चाहिए था उससे। अरे बाबा, मैं कितनी दफा कोशिश कर चुका हूँ उससे पूछने की, अभी मैं उससे पूछने गया वो फौरन कमरे में चला गया। ले ये कोई बात है, कमरे में चला गया, हद हो गई। हाँ काश हमारे पास भी ऐसा ही एक ड्राफ्ट। बाहदब बा मुलाहिजा होशियार, मलिका आलिया चीमी तशरीफ ला रही है। बेगम साहब जी, मलका आलिया आप कब तक यूं ही परेशान घूमती रहेंगी? जब तक जिल्ल सुभानी शमीम तशरीफ नहीं ले आते। वो तो टिप टिप करके आ जाएंगे। मलका आलिया आप ख्वाबगाह में जाएं, कनीजें टिप का इंतजार कर रही हैं। नहीं ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। जिल्ल सुभानी शमीम एक अजीम बैंक ड्राफ्ट लेकर बैंक गए हैं कैश करवाने के लिए। हमें डर है कि नसीब दुश्मना कहीं लूट ही न लिए जाएं। आप फिक्र ना करें मलका आलिया, आप उन्हें ऐसा वैसा ना समझें, पूरी दुनिया को लूट कर आएंगे। वैसे भी शाही महाफिज तो उनके साथ हैं। आह ये हम क्या देख रहे हैं, जिल्ले सुभानी आप पर ये क्या कहर नाजिल हुआ, कौन सी आफत टूट पड़ी आप पर? ओह मेरे खुदा। मलका आलिया हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मलका आलिया हम तबाह वो बर्बाद हो गए हैं। हम मलका आलिया वो जो बैंक ड्राफ्ट हमें दिया गया था वो जाली निकला, वो फ्रॉड था। मलका आलिया देखें अब ये महल, ये आपके जेवरात और ये शान शौकत ये सब खत्म हो जाएंगे। अब आप मेरी तरह इस हाल में आ जाएंगी मलका। नहीं उठो। नहीं। अरे बीवी उठो। नहीं। सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। और जी ये यहाँ का सबसे बड़ा बैंक है ना जी? जी जी बिल्कुल। मुझे अपना अकाउंट खुलवाना है। बिल्कुल। मैं जरा तरीका बता दें। तरीका बहुत आसान है जी। आप किसी भी अकाउंट होल्डर की तस्दीक लें, आपका अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन अगर मेरा इस शहर में कोई वाकिफ ना हो तो आप उस शहर चले जाएंगे जहां आपका कुछ जानने वाला? जी जी सर, अजीब सी बात है, मैं जहां जाता हूं यही कहते हैं जी कि तस्दीक नुंदा लेकर आओ।
लाखों रुपए तो मुझे जमा कराना है और सुनम तो मुझे आप लोगों की तस्दीक करनी चाहिए, ना कि आप मेरी तस्दीक करें। मेरी तस्दीक तो आप तब करें ना अगर कर्जा या पैसे मैंने आप लोगों से लेने हो। मैंने तो पैसे जमा कराने हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये आपके बैंक में और ये बचत बैंक में ये उल्टी गंगा की चलती है। यहां तो सब कुछ ऐसे ही है जनाब। ये जी मेरा ड्राफ्ट है, जरा देखिए इस पे अकाउंट खुल सकता है। ये गैर मुल्की बैंक ड्राफ्ट है? जी हाँ। मेरी समझ से तो ये बैंक ड्राफ्ट बाहर का है। और दिलदार है वो देखना, इलम दिन होगा सीट पर, उसको बुलाना, उसको समझ आए इन गैर मुल्की ड्राफ्टों की। सर वो तो 11 बजे निकल गया था और अब तो 12:30 हो चुके हैं सर। अब तो शायद ही कोई अपनी सीट पर हो। और यार वो बिलाल को देखो, वो होगा सीट पर। सर उसके तो मेहमान आ गए थे। और यार और रशीद को भेजो, उसको पता है इन ड्राफ्टों का, बुलाओ उसको जल्दी से। सर 1 बजे बैंक बंद हो जाते हैं जनाब और इस वक्त 12:35 हो चुके हैं। अब भला किसी का अपनी सीट पर क्या काम जनाब। सर लोग तो 12 बजे अपने घर जाने की तैयारी कर लेते हैं। आप ऐसे करें कि कल सुबह सुबह आ जाएं, या फिर आप हाँ वो गैर मुल्की बैंक ट्राई करें, उसे समझ आए इन ड्राफ्टों की, फिर वो आपके अकाउंट भी बगैर किसी तस्दीक के सिर्फ आपके शिनाख्ती कार्ड पर खोल देंगे, आपको वही सूट करेंगे। खुदा हाफिज। अब हमें भी घर जाना है, उसूल भी कुछ चीज़ है। जी उसूल भी कुछ चीज़ है। भवनी साहब आपने मुझे ना अंग्रेजी का कोई 2 डायलॉग याद करा दें, ताकि हो सकता है कि फिर हॉलीवुड में मेरा भी चांस हो जाए फिल्मों में। लो ये तो कोई बात ही नहीं, 2 डायलॉग तो मैं तुम्हें याद करा देती हूँ अभी इसी वक्त। हैं जी? हाँ। अच्छा, एक तो है शट अप और दूसरा है गेट आउट। शमीम, शमीम जी, नदीम साहब ने कभी ये तो नहीं समझिए कि मैंने उन्हें कहा है शट अप और गेट आउट। जी रिसेप्शन। जी नदीम सर, बेहतर है जी, मैं टैक्सी का किराया भिजवाता हूँ जी। अच्छी बात है जी। अच्छा सर, वो कुछ लोग आपसे मिलना चाह रहे थे। ठीक है जी, मैं भिजवाता हूँ जी। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आप अंदर तो आ ही चुके हैं, आप फरमाइए। मैं इमरान भाई एसोसिएट्स और ये छोटे भाई इरफान भाई एसोसिएट। बड़े भैया, आपको कितनी दफा कहा है कि मैं अपना तारफ खुद करवा सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, अजी मैं इरफान भाई एसोसिएट हूँ और ये मेरे बड़े भाई इमरान भाई एसोसिएट हैं। जी एसोसिएट ब्रादर, आप अगर हमारे प्लान के मुताबिक चलेंगे तो इतना पैसा कमा सकते हैं। इतना पैसा कमा सकते हैं कि आप अगर सारी उम्र भी गिनते रहे तो आपका पैसा खत्म नहीं होगा। क्यों इरफान भाई एसोसिएट? बिल्कुल इमरान भाई एसोसिएट। या तो आप ऐसा कीजिए कि अपना तमाम अकाउंट हमारे अकाउंट में जमा करा दें, या हमारा अकाउंट अपने अकाउंट में जमा करा दें, या कम से कम अपना अकाउंट नंबर ही दे दीजिए। मेरा तो कोई भी अकाउंट नंबर ही नहीं है। जी? जी आपका कोई अकाउंट ही नहीं है? हाँ बहुत कोशिश की थी मगर खुले नहीं सका। इरफान भाई एसोसिएट? जी इमरान भाई एसोसिएट। मेरा ख्याल है वक्त जाया किए बगैर चलते हैं। अगर हम दूसरी पार्टी पकड़ लें तो बेहतर है। बेहतर, चलो। अरे ये तो बड़ी जल्दी फारिग होके आ गए। चलिए मिस्टर काजमी, मिसेस काजमी, बाप की बारी। जी शुक्रिया। अरे साहब बैठिए बैठिए बैठिए, बारी लेकर क्या करेंगे, हमें तो वो साहब बिल्कुल फ्रॉड लगते हैं। वाकई जी, इतना बड़ा बैंक ड्राफ्ट तो मशकूक ही महसूस होता है, हो सकता है जी फ्रॉड हो। शमीन साहब आप कहें तो मैं पुलिस को फोन करूं? पुलिस को भी फोन नहीं करना, मेरा ख्याल है पहले उन साहब से बात कर लीजिए। हेलो। हेलो जी सर। हाँ नवीद साहब। हाँ जी फरमाइए सर, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वो ये है कि मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, आपका किसी बचत बैंक में कोई अकाउंट है? क्यों सर? वो मुझे एक तस्दीक की जरूरत थी। सॉरी सर, मैं तो एक मामूली तनख्वाहदार मुलाजिम हूँ जी, मेरा बचत बैंक में अकाउंट कहाँ, आप शमीम साहब से बात कर लीजिए। अच्छा। हेलो जी, मैं शमीम बोल रहा हूँ।
शमीम साहब, मैं कमरा नंबर 10 से नदीम बोल रहा हूँ। जी नदीम साहब, कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, हुक्म करें। वो असल में आपको एक तकलीफ देनी थी, मुझे बैंक में अकाउंट खुलवाना है, तो क्या है कि आपकी तस्दीक की जरूरत है। जी शमीम साहब। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। वो आप खामोश हो। नहीं नहीं, असल में बात यह है कि देखिए, आप यहाँ ठहरे हुए तो हैं, वो बात तो ठीक है, लेकिन सर मैं देखिए आपको जानता तो नहीं हूं ना, मैं आपकी तस्दीक कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, क्या और कोई मिलने मुझसे नहीं आया? मैं पता करता हूं जी, बानवी साहब से मैं अभी। हेलो हेलो, बानवी, रैंबो स्पीकर। हाँ, क्या बात है? बानवी साहब, ये जो दूसरे बंदे हैं, ये नदीम साहब से मिलने के लिए ऊपर क्यों नहीं आए? वो लोग कहते हैं कि नदीम साहब फ्रॉड है। हैं जी, वो कैसे? देखो, उनके बैंक ड्राफ्ट पर किसी ने अकाउंट नहीं खोला, तुम ही बताओ इसका क्या मतलब हुआ? बावनवीर साहब, ये जो फ्रॉड होता है ना, ये इंसान के अंदर कूड़े की तरह होता है, और इसकी बो रैंबो रैंबो जान रैंबो को ना कोई 8-10 फुट दूर से ही आ जाती है जी। और बेवकूफ, बाज लोग अपनी बदबू छुपाने के बड़े माहिर होते हैं। अच्छा, फिर आप ठहरे, मैं जरा पता करता हूं। सर जी, ये जी आपने अपना अकाउंट नहीं खुलवाया अभी तक बचत बैंक में? कोई बैंक मेरा अकाउंट खोलने के लिए तैयार नहीं। क्यों जी? रैंबो, जानते हो मेरे पास तस्दीक के लिए मेरे शिनाख्ती कार्ड के सिवा कुछ भी नहीं है। ये तस्दीक कौन कर सकता है जी? जिसका उस बैंक में अकाउंट हो। सर जी, आपका बैंक ड्राफ्ट तो ठीक है ना जी? बैंक ड्राफ्ट तो ठीक है, लेकिन जब ये मेरे अकाउंट में जमा होगा तभी पैसे आएंगे ना। सर जी, ये जरूरी तो नहीं है जी कि अमीर आदमी अमीर आदमी के काम आए, गरीब आदमी भी काम आ सकता है जी। आ सकता है। नहीं नहीं रंबो, बात अमीर और गरीब की नहीं होती, बात इंसान की होती है। सर, रंबो रंबो जान रंबो एयरपोर्ट से आपको यहां लेके आया है, अब रंबो रंबो जान रंबो ही आपका अकाउंट भी खुलवाएगा जी। वाकई तुम मेरा अकाउंट खुलवा सकते हो? हाँ सर जी, बचत बैंक में मेरा जाती अकाउंट है, कॉमन पे 85 पैसे का। क्यों सर जी, गरीब आदमी किसी अमीर आदमी के काम नहीं आ सकता? जरूर आ सकता है जी, मैं आऊंगा आपके काम। तुम मेरा अकाउंट खुलवाओगे? हाँ सर जी, मैं अपने जाती पैन से दस्तखत करता हूँ जी। टिप टिप करके अकाउंट खुलाएंगे, टिप टिप करके अकाउंट खुलाएंगे। सर जी, आपकी दिली मुराद पूरी हो गई, अब आप मुराद की दिली मुराद पूरी करें जी। वो होता है क्या, अब अकाउंट के खुशी में ना जी, सेलिब्रेशन जी। ये देखें जी, दिस वे जी, ये सेलिब्रेशन।